हाय, मैं हुरियाश्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। हिंडनबर्ग रिसर्च, ये नाम आए दिन आप सुन रहे होंगे। हिंडनबर्ग रिसर्च और अडानी ग्रुप के बीच का विवाद गहराता जा रहा है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अमेरिकन फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट न केवल अडानी ग्रुप बल्कि दुनिया की कई बड़ी कंपनियों पर अपना असर डाल चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी समूह की कंपनियों पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाने वाली हिंडनबर्ग रिसर्च की शुरुआत 6 साल पहले दुनिया की बड़ी कंपनियों में गड़बड़ियों का पता लगाने और उनके शेयरों पर दाव लगाने के इरादे से की गई थी। अब किसने शुरू की ये कंपनी, ये जान लेते हैं। दरअसल कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रबंधन की पढ़ाई करने वाले नॉथन एंडरसन ने वर्ष 2017 में इस फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी की बुनियाद रखी। नाम रखा गया हिंडनबर्ग रिसर्च। इस नामकरण के साथ ही उन्होंने 8 दशक पहले की उस डिजास्टर की यादें ताजा कर दी जिसमें करीब 35 लोगों की दुखद मौत हो गई थी। फर्म का नाम क्यों रखा गया हिंडनबर्ग, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल 1937 में हाइड्रोजन गैस से चलने वाला एक एयरप्लेन न्यूजर्सी में आग लगने की वजह से धराशायी हो गया था। इसे मानव निर्मित त्रासदी यानी कि मैन मेड डिजास्टर बताया गया क्योंकि करीब 100 लोगों को अत्यधिक फ्लेमेबल गैस से चलने वाले एक एयरप्लेन में बिठा दिया गया था। उस दुर्भाग्यशाली एयरप्लेन का नाम भी हिंडनबर्ग था। हिंडनबर्ग के नाम पर गठित उस अमेरिकी फर्म ने कुछ दिनों पहले ही अडानी ग्रुप, उस आदमी के ग्रुप जो कि वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमियों में से एक है, उस पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और कई लोगों को चौंका दिया था। इसके बाद ही शेयर बाजार में खलबली मच गई। अडानी ग्रुप के शेयर्स अचानक से गिर गए। इसके साथ ही अडानी अरबपतियों की सूची में 4 पायदान नीचे आ गए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि दशकों से शेयरों में गड़बड़ी की गई है अडानी ग्रुप के द्वारा। अडानी इंटरप्राइजेस का 20,000 करोड़ रुपए का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर शुक्रवार को ही खुलने वाला था। इसे एन पहले आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट से शेयरों में भारी गिरावट आ गई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी समूह दशकों से खुले तौर पर शेयरों में गड़बड़ी और धोखाधड़ी में शामिल है। हालांकि अडानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट को नकारते हुए कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने गलत इरादे से ये रिसर्च की है। निवेशकों को आश्वस्त करने में नाकाम रही अडानी समूह। हुआ ये कि अडानी ग्रुप की तरफ से इन्वेस्टर्स को आश्वस्त करने की कई कोशिशें की गईं। शुक्रवार को इस रिपोर्ट का निवेशकों पर बेहद नकारात्मक असर देखने को मिला और इस समूह की ज्यादातर कंपनियों के शेयर 20% तक टूट गए। इसकी वजह से शेयर बाजार 3 महीनों के निचले स्तर पर आ गया। भारतीय शेयर बाजार में कोहराम मचा देने वाली हिंडनबर्ग रिसर्च खुद को एक एक्टिविस्ट निवेश शोध कंपनी बताती है। इसके अलावा ये शेयरों की शॉर्ट सेलिंग भी करती है। अब क्या होता है शॉर्ट सेलिंग, ये भी आपको बताते हैं। शॉर्ट सेलिंग के तहत उधार लिए गए शेयरों को इस उम्मीद में बेचा जाता है कि बाद में निचले स्तर पर उसे खरीद लिया जाएगा। शेयरों की कीमतें उम्मीद के मुताबिक गिरने पर शॉर्ट सेलिंग करने वाले कारोबारियों को तगड़ा मुनाफा होता है। हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग के लिए चुनिंदा शेयरों में निवेश अपनी पूंजी से करती है। हालांकि वो इसके लिए सही कंपनी का चुनाव पर्याप्त शोध के बाद ही करती है। शोध यानी कि रिसर्च। इस शोध में उसका ध्यान गड़बड़ियों और अघोषित लेन देन जैसे मानव निर्मित त्रासदियों पर होता है, खासतौर पर कंपनियों के जो लेखा जोखा होता है उससे जुड़ी गड़बड़ियों पर इस कंपनी का विशेष ध्यान होता है। ये कंपनी अपनी रिसर्च में उन लोगों को हाईलाइट करती है जो कि इन गड़बड़ियों में शामिल होते हैं। गड़बड़ियां जैसे कि गैर कानूनी लेन देन, अनैतिक कारोबारी और वित्तीय तौर तरीकों के अलावा बाकी तरीकों से कमाए गए पैसों का लेखा जोखा भी हिंडनबर्ग रिसर्च अपने रिपोर्ट्स में डालती है। क्या करेगा, हिंडनबर्ग वित्तीय मसलों पर भी काफी जानकारी अपने रिपोर्ट्स में डालती है। ब्रीफ में बता देते हैं कि हिंडनबर्ग अपने बारे में अपनी वेबसाइट पर क्या कहती है। हिंडनबर्ग रिसर्च की वेबसाइट कहती है कि हम अपने निवेश निर्णय निर्माण को अपने विश्लेषण से समर्थन देते हैं। वहीं हमारा मत है कि सबसे असरदार शोध परिणाम यानी कि रिसर्च असामान्य स्रोतों से जुटाई गई सूचनाओं से उजागर होने वाले तथ्यों से निकलते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की पिछली शोध रिपोर्ट्स कई कंपनियों की चिंताएं बढ़ा सकते हैं। अडानी ग्रुप से पहले इसने अमेरिका की लॉर्डस्टाउन मोटर्स कॉर्प, निकोला मोटर्स कंपनी, क्लोवर हेल्थ और चाइना की कांडी कंपनी और कोलंबिया की टेक्नो ग्लास के खिलाफ भी कुछ ऐसे ही रिपोर्ट्स प्रकाशित की थी। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट जब भी बाहर आती है तब हिंडनबर्ग पर भी कई सवाल उठाए जाते हैं। वैसे हिंडनबर्ग के निशाने पर
आई कंपनियों ने नियामकों से शॉर्ट सेलिंग में भूमिका को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं इसके समर्थकों का कहना है कि ये कंपनियों की गड़बड़ियों को उजागर करती है, जिससे निवेशकों को काफी फायदा मिलता है। जहां तक हिंडनबर्ग रिसर्च के मुखिया एंडरसन का सवाल है, तो वे अमेरिका लौटने से पहले इसराइल के यरूशलेम में रहते थे, लेकिन अब एंडरसन पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। अब जान लेते हैं कि आखिर हिंडनबर्ग रिसर्च कब सुर्खियों में आई थी। हिंडनबर्ग की सबसे ज्यादा चर्चा निकोला के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी करने पर हुई थी। इसने इलेक्ट्रॉनिक ट्रक बनाने वाली कंपनी निकोला कॉर्प के खिलाफ सितंबर 2020 में गंभीर आरोप लगाए थे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रक के प्रदर्शन संबंधी दावों के गलत पाए जाने के बाद आज निकोला कॉर्प का पूंजीकरण सिर्फ $1.34 अरब रह गया है, जबकि एक समय में ये $34 अरब पर पहुंच गया था। कंपनी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार इसने अब तक दर्जन से अधिक कंपनियों में गड़बड़ियों को उजागर किया है। इसमें विंस फाइनेंस, एससी वर्क्स, ब्लूम एनर्जी भी शामिल है। लगभग सभी मामलों में रिपोर्ट जारी करने के बाद हिंडनबर्ग को लीगल एक्शंस का सामना करना भी पड़ता है। तो ये था हिंडनबर्ग का लेखा जोखा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें एबीपी लाइव।